क्वेश्चन करो। ठीक है, एक कल पढ़ाए थे रिफ्लेक्टेड वेव कैसे होता है, ठीक है, किस तरह से वेव रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह से वेव ट्रांसमिट करता है, और किस तरह से एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये चीज़ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है जिसमें अपन निकालना है क्या है, तो एम्पलीट्यूड निकालना है किसका, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का। ठीक है, ए आर एंड ए टी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। दे रखा है आपको, मास दे रखा है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसका मास दे रखा है 0.06 kg, इसका मास दे रखा है 0.02 kg, इसका लेंथ दे रखा है 4.8 मीटर, और इसका लेंथ दे रखा है 2.56 मीटर। ठीक है, 2.56 मीटर। ठीक है, तो ठीक है, वेव क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, वेव क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का। सबसे पहले क्या निकालोगे, इंसिडेंट वेव का दे रखा है आपको एम्पलीट्यूड, दे रखा है इंसिडेंट वेव का 2.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले म्यू वन म्यू टू निकालो, सबसे पहले म्यू वन एंड म्यू टू निकालो। ठीक है, क्या होगा म्यू वन, अरे कोई कोई कर भी रहा है, कौन कौन है, मिली, मोहित मैं कर रही हो, क्या करना है बताओ, बताओ प्रोसेस, बताओ क्या करना है, फटाफट बोला करो, इतना टाइम नहीं लगता। तो फाइंड करके बस फॉर्मूला में पुट करना है। हाँ बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिया हुआ नहीं है म्यू वन और म्यू टू, आपको डायरेक्टली आपको दिया हुआ नहीं है, तो बस म्यू वन और म्यू टू क्या करो, फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये वाला मान लेते हो कि मीडियम वन है, ठीक है, इधर वाला को मान लेते हैं कि मीडियम वन है, इधर मान लेते हैं कि मीडियम टू है। ठीक है, म्यू वन की बात करेंगे तो म्यू वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो म्यू वन क्या होता है, तो मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, म्यू वन को हम लोग डिफाइन कर सके थे मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे मास दे रखा है आपको कितना, 0.06 kg, और लेंथ कितना दे रखा है, 4.8 दे रखा आपको, 4.8 कितना आएगा, ये ऐसा कैलकुलेशन क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, कितना आएगा, और मीटू की बात करोगे तो मीटू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो मीटू का मास कितना है, 0.02 डिवाइड बाय इसका जो लेंथ है कितना है, 2.56, 2.56। ठीक है, 2.56 कैसे निकलेगा, आपको पता है सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपके भरोसे छोड़ दूंगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव क्या होता है, तो होता है अंडर रूट म्यू वन माइनस अंडर रूट माई म्यू टू वन बाय माइनस अंडर रूट म्यू टू डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट म्यू टू, अंडर रूट म्यू टू इंटू क्या आ जाएगा, इंटू हो जाएगा ए आई। आप इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको उस टर्म्स में भी कर सकते थे कि वेलोसिटी निकाल सकते थे, क्योंकि टेंशन दिया हुआ है, टेंशन अगर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी भी आ जाएगा, तो वी वन माइनस वी टू करके भी आप निकाल दोगे। ठीक है, वी वन माइनस वी टू करके भी आप निकाल दोगे। ठीक है, उस तरह से अगर बात किया जाए ट्रांसमिटेड वेव का, तो ट्रांसमिटेड वेव का क्या आ जाएगा, टू इंटू अंडर रूट म्यू वन बाई अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट म्यू टू इनटू एआई अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट, कुछ करना नहीं था, म्यू टू इंटू ए आई। ए आई आपको दे रखा है, ठीक है, ए आई आपको दे रखा है, तो यहाँ से इसको पुट करोगे तो एम्पलीट्यूड इम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कितना है, नहीं है फालतू में, अगर सिंपल से कैलकुलेशन तो कर भी देते, कर लोगे ना। ठीक है,
कैलकुलेशन थोड़ा अजीब से दे रखा है क्वेश्चन में, तो बस इसको वैल्यू पुट कर निकाल लेना, ठीक है, निकाल के यहाँ पे पुट करके इसको आंसर सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग खुद कर लोगे, इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। करने का क्या करना है वो तो आपको पता है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ड्रॉ करो, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जो कि इस एंड से फिक्स है और इस एंड से क्या है, फ्री है, ठीक है। कोई पल्स क्या है जो इस तरह से मूव कर रहा है, पल्स इस तरह से मूव कर रहा है, तो जरा ड्रॉ करो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पल्स कैसे कैसे मूव करेगा, जब फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा तब कैसे मूव करेगा, और जब फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होगा तब किस तरह से मूव करेगा। ड्रॉ करो जरा डायग्राम। अरे पहला क्वेश्चन समझ में आया ना? नहीं आया तब भी बोलना, सर आ गया। हाँ कुछ करना नहीं था, ठीक है। जरा इसको ड्रॉ करो, खुद से ड्रॉ करो, जब फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो कैसा होगा, सेम बात में बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा। ड्रॉ करके बताओ जरा कैसा होगा, यहाँ सामने तो देखते भी। एक और ड्रॉ कर लो, बोलो कि सर ड्रॉ कर लिए हैं, तो फिर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो उससे आप मैच करना ईमानदारी से। कर लिए सर ड्रॉ। कर लिया, ठीक है। दोनों एंड से कर लियो, इस एंड से भी कर लियो, इस एंड से भी कर लियो, हाँ सर। ठीक है। देखो यहाँ से जब फ्री एंड है तो फ्री एंड से जब रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, जब फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो आपको पता है कि वेव का शेप तो चेंज नहीं करेगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा सेम फेज में होगा। किसने ऐसा ही ड्रॉ किया है, ऐसे ही ड्रॉ किया। ये वाला है, ऐसा तो नहीं कर दिए थे, नहीं सर, वो रिफ्लेक्ट होगा तो चेंज हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं किए थे ना, नहीं ठीक है, ऐसा तो किसी ने नहीं किया था, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो फ्रंट वाला है वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, वेव क्या करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तब, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा, तो अगर टाइम की बात किया जाए तो टाइम इसमें लग जाएगा, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वेव मूव कर रहा है, तो टाइम छोटू लग जाएगा एल बाई वी, ठीक है। मतलब यहाँ से देखेगा तो ये वेव यहाँ से चलना शुरू होगा, ये वेव यहाँ से चलना शुरू होगा, तो यहाँ तक पहुँचने से टाइम कितना लगा होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है एल है, और वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है वी है, तो टाइम कितना लगा होगा, यानी टी बाई वी टाइम के बाद ये वेव क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ नहीं पहुँचेगा, जस्टली यहीं पे होगा, ठीक है। मतलब टी बाई वी टाइम के बाद फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसका होगा, ठीक है। जब इसका फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जब इसका फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन कैसे होगा, नीचे बेंड हो जाएगा पूरा फिर। बेंड तो नीचे हो जाएगा, और क्या होगा, शेप कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, शेप चेंज नहीं करेगा। ऐसा किस किसने ड्रॉ किया, हम ही कह रहे ड्रॉ ऐसे। ठीक है। बेब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो फेज चेंज कितना होगा, तो 0 डिग्री का फेज चेंज होगा, जबकि यहाँ पे कितना चेंज होगा, 180 डिग्री का फेज चेंज होगा। वेव क्या करेगा, नीचे से इस तरह से मूव करना शुरू करेगा, कितना टाइम के बाद शुरू करेगा, तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, 12 बाई वी, यानी सेकंड रिफ्लेक्शन अगर देखोगे इतना टाइम के बाद होगा, और फर्स्ट रिफ्लेक्शन इतना टाइम के बाद होगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो अगर वेव रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से वेव उसका रिफ्लेक्ट करेगा, कोई दिक्कत, नो ठीक है। ध्यान रखना कि ये वाला जिससे पहले जा रहा था, ये भी, ये जो शेप होगा इसी तरह से जाएगा, ठीक है, उल्टा शेप मत बना देना, ठीक है, ध्यान रखना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का, बाकी चीज़ कुछ है नहीं खास, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे कि इंसिडेंट वेव आपको दे रखा है, इंसिडेंट वेव आपको दे रखा है कि 10 mm साइन ऑफ 40 - 5 i, ठीक है, और आपको दे रखा है कि
जो म्यू टू है, म्यू वन और म्यू टू जो रिलेशन है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इसका म्यू वन है, इसका म्यू टू है, दे रखा है कि जो म्यू टू है, म्यू टू इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ म्यू वन, ठीक है, 16 टाइम्स ऑफ म्यू वन, ठीक है। तो आपको निकालना है, आपको निकालना है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, एंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव का आप क्या करो, इक्वेशन लिख के बताओ कैसे होगा, ठीक है। कल बताए थे इस तरह से रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखते हैं, बताओ क्या होगा। अगर सिंपल पूछे पहले तो बताओ किस फॉर्मेट में होगा, अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें, अगर रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो बाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, बाई आर इक्वल टू ए आर इंटू साइन ऑफ क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स के माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव का। रिफ्लेक्टेड वेव क्या करता है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है ना, अगर वेव क्या कर रहा था, इधर की ओर ट्रैप कर रहा था, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या आ गया, इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा, तो सब कुछ तो सेम ही रहेगा ओमेगा टी, ठीक है, बस यहाँ पे माइनस एक्स के एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा, ये चीज़ तो चेंज नहीं होगा, ये चीज़ तो चेंज नहीं होगा, बस आपको माइनस ऑफ के एक्स की जगह पे प्लस ऑफ के एक्स लिख देना था, ठीक है। लास्ट क्लास में भी देखे थे कि रिफ्लेक्टेड वेव का जो हम इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव का जब इक्वेशन लिख रहे थे तो ए आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स कर दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि माइनस के एक्स मतलब क्या होगा, वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जबकि रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से वेव कोई प्रोड्यूस हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, ये वेव क्या कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इंसिडेंट वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, अगर यहीं पे माइनस होता, सॉरी यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस हो माइनस जाता, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, तो ये चीज़ तो पूरा पता चल गया, तो आपको बस रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, कितना होता है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, ए आर इज इक्वल टू कितना होता है, √μ1 − √μ2 बाई तो अंडर रूट म्यू वन माइनस अंडर रूट म्यू टू डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू वन प्लस √μ1 − √μ2 अंडर रूट म्यू टू इंटू ए AI आई, और ए आई क्या होगा, तो इंसिडेंट वेव दे 0.01 रखा है, वेरी गुड, छा गए तुम तो क्या होगा, आप पुट कर दो, तो म्यू म्यू आई तो म्यू वन तो रहने देते हैं, म्यू वन, म्यू टू की जगह पे क्या लिख देते हैं हम लोग, 16 म्यू वन लिख देते हैं, म्यू टू की जगह पे बस 16 म्यू वन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो म्यू वन हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट म्यू टू की जगह पे क्या लिख देंगे, 16 म्यू वन लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू अंडर रूट म्यू वन हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है, 4 इंटू अंडर रूट म्यू वन हो जाएगा, उस तरह से नीचे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट म्यू वन प्लस अंडर रूट 16 म्यू वन, तो अंडर रूट म्यू वन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अंडर रूट म्यू वन क्या हो जाएगा, अपने आप ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1 माइनस, और 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 इंटू ए आई, और ए आई की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो 10 mm, ए आई अपने को 10, ये बात समझ में आया, यस सर। कुछ किए नहीं है, म्यू टू की जगह पे क्या पुट कर दिया हम लोग, 16 इंटू म्यू वन, तो हर जगह पे म्यू वन, म्यू वन क्या जाएगा, मतलब अंडर रूट म्यू वन देखोगे तो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा, 3/5, 3/5, और इधर क्या है, 10 है, तो 2 से क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ 6, ये बचेगा ना, 5 से कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स, और ऊपर क्या बचा था, -3, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, तो इसका जो इक्वेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 6 mm
माइनस ऑफ 6 mm इंटू साइन ऑफ 40 + 5x, ठीक है। एक आ गया इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, उस तरह से निकालो तो जरा इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव निकालना है। 6 mm कैसे आया? ये 1 - 4 कितना होगा, -3। और इधर क्या होगा, नीचे से कैंसिल हो गया ना, 4 कितना होगा, 5, तो 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर एमएम में क्यों रखेंगे उसको, मीटर में रखेंगे ना 10 को। तो ठीक है, इधर ये भी एमएम में दिया हुआ था, तो एम्पलीट्यूड है ना, तो यहाँ तो तो लिख तो एमएम लिखे, में रख हाँ सकते हैं। हाँ लिखा हुआ है ना एमएम, हाँ लिख दिए है एमएम। तो फिर मीटर में हम करें तो मेरा आंसर अजीब सा आ रहा है, मतलब अरे तो क्या अलग होगा, है। 10/3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक हाँ है, वो तो लिखने का तरीका है, एमएम में लिखो या उसमें लिखो, ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं ना। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा लिख सकते, नहीं तो ऐसे ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको मीटर में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मीटर में वैसे जनरली अगर हम लोग इसे लिख देते हैं, जैसे कि बाई आर इजक्वल टू माइनस ऑफ 6 sin ऑफ 40 माइनस या +5x लिख देती है, इसका मतलब हम समझते हैं कि 6 क्या हो गया, मीटर में हो गया। अगर कोई यूनिट नहीं लिखे हो तो क्या समझेंगे, ऐसा यूनिट समझेंगे ना, कोई अगर यूनिट नहीं लिखे हो तो क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा, तो 6 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 mm लिख दिया है, यहाँ तो लिखा हुआ है ना यूनिट, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हो तो क्या होगा, उसमें दिक्कत हो सकता है कि लोग समझेंगे कि वो मीटर में है, ठीक है। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको मीटर में कन्वर्ट करके, जैसे लिखना हो। ट्रांसमिटेड वेव का क्या हो जाएगा इक्वेशन, 80 × sin ऑफ, अब क्या लिखे बताओ, यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रहा था, तो इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर रहा था फोर्टी पॉजिटिव माइनस एक्स फाइव डायरेक्शन में, तो जो ट्रांसमिटेड वेव होगा वो भी क्या होगा, 40 - 5x होगा, 4 × t - 5x, ठीक है। तो बस आपको ट्रांसमिटेड वेव का क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, अपने को पता है कितना होता है ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू, बताओ फटाक से, 2√μ1/√μ1 प्लस बाकी लोग भी बोला √μ2। करो जी, तभी याद होगा, गधे लोग सब जाके सो जाता है, इनटू AI यहां से पुट कर दो, ठीक है, तो सॉरी μ1 + μ2 हो जाएगा, ठीक है ना, ए ट्रांसमिटेड इक्वल टू, हाँ ठीक है, तो μ2 इक्वल टू अगेन क्या पुट कर दोगे आप, μ2 इक्वल टू पुट कर दोगे 16 × μ1, तो यहाँ से 16 μ1 पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो μ1 μ1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपको 2 / 1 + √16, ठीक है, इंटू AI कितना हो गया, AI है अपना 10 mm, तो √16 कितना हो गया, अगेन से 4 हो गया, तो 2/5 × 10, 2/, तो 20/ कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना बचा, 4 ना, तो जाएगा 4 mm, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड वेव का जो इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 mm इंटू साइन ऑफ 40 - 5x, ठीक है। इस तरह से कोई इक्वेशन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड निकालना होगा बेसिकली, तो क्या होगा नहीं होगा, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। बात समझ में आया, बात समझ में आया, कुछ करना नहीं है, यस बस वो 2-3 फॉर्मूला जो आपको कल लिखाए थे उसको आप रट्टा मार लोगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, बस फेस समझना है किस तरह से वेव रिफ्लेक्ट करता है और किस तरह से वेव ट्रांसमिट करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फिक्स एंड से कैसा होता है और फ्री एंड से कैसा होता है, और चारों प्रोफाइल आपको बना के दिखाया है, और चारों प्रोफाइल का डायग्राम याद रखोगे ढंग से, बाकी ये सब चीज़ याद रखोगे तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जो पावर होता है, ठीक है, पावर होता है, पावर की इक्वेशन क्या आया था, ठीक है, बताओ जरा, पावर अगर बात करें ट्रैवलिंग वेव में जो पावर होता है वो कितना होता है, पावर कुछ याद है, 1/2 × v × बोलो म्यू ए इंटू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, सब भुला गया जी, पावर इन
ट्रैवलिंग वेव। अरे याद रखो, ड्राइव किया उतना लंबा चौड़ा, पावर इन ट्रैवलिंग वेव। डेरिवेशन याद नहीं रखना था, कम से कम फाइनल रिजल्ट तो याद रखो। एवरेज जो पावर होता है ट्रैवलिंग वेव में, वो क्या होता है, हाफ इंटू वी इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या आएगा। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जो वेव वन मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में, ठीक है, जा रहा है, कुछ वेव क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ वेव क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन सेम होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे वेलोसिटी वी वन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वी टू होगा। यहाँ पे अगर म्यू वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू टू होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ट्रांसमिटेड पावर कितना होगा या फिर रिफ्लेक्टेड पावर कितना होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो आपको ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, अगर पावर को इस तरह से लिखे हैं, तो यहाँ पे वी भी चेंज कर रहा है, म्यू भी चेंज कर रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी इज इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट टी बाई बाय म्यू म्यू इंटू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू, ठीक है, अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा अंडर रूट टी, अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट म्यू इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो जरा इस इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं किए हैं। वी इज इक्वल टू, हमको पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। ठीक है, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, तो वी इज इक्वल टू पुट कर दे अंडर रूट टी बाई म्यू, एक अंडर रूट म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट म्यू बचेगा। क्यों ऐसा लिखा हूँ, तो देखोगे तो जो पावर है, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो टी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इस साइड बात करें, इस साइड बात करें, ठीक है, इस साइड अगर बात करें या फिर इस साइड बात करें, टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। सर, हाँ सर, ए स्क्वायर ए नहीं कैसे होगा? कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो टी तो क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा भी क्या है, सेम ही रहता है, दोनों साइड ओमेगा क्या रहता है, सेम रहता है। अगर पावर की बात करेंगे तो पावर क्या होगा, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी चीज़ तो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो पावर की बात करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर। इसलिए बोल रहे थे फॉर्मूला ये सब याद रखना, ठीक है, वहाँ से चीज़ें काम आएगी, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आपको हम बात करें कि बताओ इंसिडेंट पावर होगा पीआई, ठीक है, पीआई क्या है, तो इंसिडेंट पावर है, तो पीआई क्या होगा, तो पीआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू वन इंटू ए आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अंडर रूट ए आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इंसिडेंट पावर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट पावर हो गया। ठीक है, हमारा इंसिडेंट पावर हो गया। ठीक है, पी आई इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आई एंड टू ए आई का स्क्वायर। उस तरह से अगर ट्रांसमिटेड पावर की बात करें, ट्रांसमिटेड पावर, तो ट्रांसमिटेड पावर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ट्रांसमिट किधर हो रहा है, तो म्यू टू की तरफ हो रहा है। ठीक है, किधर हो रहा है, म्यू टू की तरफ हो रहा है, अंडर रूट म्यू टू इंटू क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगा, आप लिख लोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगा। उस तरह से रिफ्लेक्टेड पावर क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड पावर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रिफ्लेक्ट किधर कर रहा है, सेम मीडियम में कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड पावर क्या हो जाएगा, तो म्यू वन इंटू, ठीक है, ए आर का स्क्वायर के बराबर। अगर आपको इंसिडेंट पावर दिया हुआ हो, ठीक है, इंसिडेंट पावर अगर दिया हो, और रिफ्लेक्टेड पावर और ट्रांसमिटेड पावर निकालना हो, तो आप निकाल सकते हो ना। अगर आप रेशियो देखोगे पी आई बाई, ठीक है, पी आई बाई पी टी, ठीक है, पी आई बाई पी टी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं पी टी बाई पी आई, पी टी बाई पी आई, ट्रांसमिटेड पावर बाई इंसिडेंट पावर। तो ट्रांसमिटेड पावर बाई इंसिडेंट पावर कितना हो जाएगा, तो ट्रांसमिटेड पावर कितना हो जाएगा, तो ट्रांसमिटेड पावर हो जाएगा अंडर रूट म्यू टू इंटू ए टी का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इंसिडेंट पावर क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पावर हो जाएगा अंडर रूट म्यू वन इंटू ए आई का स्क्वायर। तो यहाँ से बात कर सकते हैं कि ट्रांसमिटेड जो पावर होगा, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड पावर होगा पी टी,
पीटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो पीटी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट म्यू टू बाई म्यू वन इंटू 80 बाई ए आई का होल स्क्वायर इंटू पी आई सर वहाँ इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इक्वल टू, अरे रेशियो में तो इक्वल टू देंगे ना, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया कोई कांस्टेंट पुट करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो रेशियो में क्या होगा, इक्वल का साइन देंगे, रेशियो में क्या देंगे, इक्वल का साइन देंगे, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिटेड पावर हो गया, ये हमारा क्या है, ट्रांसमिटेड पावर। ठीक है, अगर इंसिडेंट पावर दिया हुआ है तो ट्रांसमिटेड पावर आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरह से अगर आपको रिफ्लेक्टेड पावर निकालना होगा तो ठीक है, तो अगेन क्या करोगे, अगेन करोगे आप पी आर बाई रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइड बाई इंसिडेंट पावर, रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइड बाई इंसिडेंट पावर। आपको ध्यान, आपको इंपॉर्टेंट आपको यही रखना है कि जो पावर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड पावर डिवाइड बाय इंसिडेंट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड पावर मतलब किधर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा सेम मीडियन में, तो हो जाएगा अंडर रूट म्यू वन ठीक है इंटू ए आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट क्या होगा, इंसिडेंट उसी मीडियम से होता है, अंडर रूट म्यू वन इंटू ए आई का स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड पावर होगा पी आर इक्वल टू म्यू वन क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कि आपको ए रिफ्लेक्टेड अपॉन ए इंसिडेंट का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा पी आई हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड पावर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड पावर, रिफ्लेक्टेड पावर। कोई दिक्कत? सर हाँ सर, एक कंफ्यूजन हो गया है, क्या? म्यू इनटू वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर है ना, तो फिर म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है? अरे एवरेज पावर की बात करते हैं, वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है किसी भी टाइम पे, अगर पावर की बात करेंगे तो। ठीक है, ये हम लोग एवरेज पावर निकाल के आए थे कि एवरेज पावर अगर स्ट्रिंग में देखोगे तो क्या होगा, इतना ही होगा कि अगर मान लो कि इधर से स्ट्रिंग कोई जा रहा है, सॉरी इधर से कोई वेव जा रहा है, तो उसका जो एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर देखना इतना ही आता है। ठीक है, इस तो साइड वो अगर इंस्टेंटेनियस पावर है वो। हाँ किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो कितना पावर होगा। ठीक है, ये क्या है, टोटल एवरेज पावर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में कोई अगर वेव इधर ट्रेवल कर रहा होगा तो इस टाइम पे इसके पास एवरेज पावर कितना होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एवरेज पावर है, हाँ एवरेज पावर ही हम लोग का काम का आएगा, उसमें हम लोग काइनेटिक सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले थे, फिर हम लोग टोटल एनर्जी भी निकाले थे। ठीक है, वहाँ से हम लोग पावर की बात किए थे। ठीक है, हम लोगों काम का एवरेज पावर ही होगा, एवरेज कितना पावर इसमें सप्लाई हो रहा है। ठीक नोट है, डाउन नहीं किया है? खुद से लिखो ना, हाँ लिख समझने के लिया बाद सर। सर ऑफलाइन क्लास चल रहा है क्या? हम चल तो रहा ही है, तुम ही नहीं आ रही है, नहीं आ रहे, आप ही तो बोले कि नहीं आना, इसलिए तो नहीं आ रहे। हाँ आज तो था ही नहीं तो। आज नहीं था, लास्ट टाइम बस हम नहीं आए थे क्योंकि यहाँ नहीं थे। और कल शायद क्लास नहीं होगा, पता नहीं, विशाल से पूछना पड़ेगा क्योंकि कल कुछ जेई मेंस के बच्चों के एग्जाम है, उसमें जेई मेंस वाला भी कर रहा है ना, और हम इसलिए। लोग का 100 कमेंट एग्जाम ट्यूशन बंद कर दिए, क्या हो गया? हम लोग का 100 कमेंट ट्यूशन बंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसे तुम क्या बोला मुझे को समझ में नहीं आया, क्या रहने बोला? दीजिए, नहीं, फिर से किसी बोलो को तुम। समझ नहीं आया सर। मैं पहले सोचा कि इग्नोर कर दूं, लेकिन तुम बोलो क्या बोला। बोलो बोलो, सर हमको लगा 100 में एग्जाम ट्यूशन बंद सोक के है। क्यों बंद करेंगे जी, ऐसा कौन सा गम है?
अरे थोड़ा गम बोल लो कर यार, शोक शोक समझ में नहीं आता कभी कभार। किस चीज का शोक में? ऐसा कुछ हुआ है क्या, नेशनल डिजास्टर या फिर कुछ? बोले तो जेई एग्जाम। जेई एग्जाम तो खुशी का चीज है, इसी के लिए तो 2 साल पढ़ते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए। तो भी शोक क्यों, तो खुशी का दिन है, एग्जाम होने वाला है। एग्जाम ना हो तो सकारात्मक प्राणी है सर, जाने दीजिए। कैलकुलेट द, ठीक है, दे रखा है आपको, इधर दे रखा है म्यू 1, इधर दे रखा है म्यू 2, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या है, ठीक है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ, फाइंड, बस फॉर्मूला पुट करना, निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर टू इंसिडेंट पावर, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर टू इंसिडेंट पावर। कुछ करना नहीं है, बस आपको निकालना है क्या, PR/TI, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ट्रांसमिटेड पावर अपॉन इंसिडेंट पावर, रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन ट्रांसमिटेड पावर, किसी का भी रेशियो पूछ सकता है। अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है PR/PI, इसका मतलब क्या होगा, √ 1/√ 2। अरे मारेंगे कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या होगा, सेम ही, सेम मीडियम होगा ना। यार रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या होगा, तो आपको पता है कि पावर जो होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √μ/a² के बराबर होता है। काम को तो यही चीज़ पढ़ाएं बस, ठीक है, काम को ये, तो बाकी सब तो बकवास है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पावर क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड किधर हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड भी इसी मीडियम हो रहा है, और इंसिडेंट भी क्या है, इसी मीडियम में है। तो क्या हो जाएगा ये, अगेन यहीं शुरू करेंगे हम लोग, μ1 × क्या हो जाएगा, पी रिफ्लेक्टेड, यानी क्या हो जाएगा, AR रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाई पी इंसिडेंट कितना हो जाएगा, अगेन μ1, ठीक है, इंटू AI का स्क्वायर। सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा AR/AI का होल स्क्वायर, AR/AI का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे AR/AI, तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो, सॉरी, रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है कितना होता है, ले भूल गए, ऊपर से आते आते, √μ1 √μ2, √μ1 ठीक है, फिर वही डिवाइड बाय सूत्र। √μ1 + √μ2, ठीक है। बार बार लिखो, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, ठीक है, काम बन जाएगा अपना। ये हो गया रिफ्लेक्टेड पावर का एम्पलीट्यूड, सॉरी रिफ्लेक्टेड पावर नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड, और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, AI तो दिया ही नहीं है। वेरी गुड, सब महान आत्मा हमारे यहाँ पैदा हो गए हैं। कहाँ से आते हो, इतना इंटू क्या होगा, AI होगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, AI से AI क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, अब μ2 = पुट कर दो कितना, 4μ1, μ2 = पुट कर दो 4μ1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 4 का अंडर रूट कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 + कितना हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/1:9 आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव डिवाइड बाई इंसिडेंट वेव का जो रेशियो आया वो कितना आया, 1:9 आया, 1:9 आया, ठीक है। नहीं होगा, दिया ही नहीं है, दिया हुआ था, रेशियो निकालना है ना, ये बात समझ में आया, यस किसी भी तरह का रेशियो निकालना होगा किसी भी पावर का, आप आराम से निकाल सकते हो। फटाफट इसको जरा देखो, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, शुरू करते हैं हम लोग, स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, दोनों सेम ही चीज़ है, स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। कुछ करना नहीं है, दो वेव को बस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, उसको हम लोग सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सर, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का तो हमेशा फॉर्मूला बस ऐसे ही कर सकते हैं, रेशियो ना, एयर हाँ बाई हाँ एआई हाँ का स्क्वायर। हाँ 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 ये तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। हाँ लिखे इसलिए हैं कि अपने को याद क्या करना है, एक ही चीज़ याद करना है, अपने को बस याद यही चीज़ करना है, ठीक है।
ध्यान यही चीज रखना, याद भी क्या करना है, ध्यान रखना है, याद तो पावर ही करना है आपको, पावर का जो इक्वेशन था, ठीक है, इसको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक में, यस सर। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अभी तक तो बस बेसिक बेसिक चल रहा था, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो लास्ट टॉपिक से ही आता है, क्योंकि लास्ट वाला पढ़ा हो तो पूरा कुछ मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ हो, ऐसा लोग सोचते हैं, क्वेश्चन हमेशा लास्ट से आता है। स्टेशनरी वेव, ठीक है, या फिर इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, क्या होता है कि मान लो कि दो वेव है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड का दो वेव है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड का दो वेव है, और दोनों मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि वेव क्या है, फर्स्ट वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा बाय वन इज इक्वल टू, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड का दो वेव लेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों वेव का सेम होगा, ठीक है, बताएंगे क्यों स्टेशनरी हो रहा है, अभी बस इतना बता रहा हूँ, समझो एम्पलीट्यूड क्या होगा दोनों का, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम होगा बोथ वेव का, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे लिखें, सेम फॉर बोथ वेव, ठीक है, और साथ साथ क्या होगा, तो दोनों वेव क्या कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन दोनों वेव? दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, अभी बस समझो, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, पहले लिखना चाहिए था हमको, ठीक है, दो ऐसे वेव को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक वेव, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा वेव क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव चल रहा है तो उसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, ए ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स, दूसरा एक वेव है, ठीक है, जो कि निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बाई टू इज इक्वल टू सेम एम्पलीट्यूड का ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, ठीक है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स, जैसे कि मान लो कि एक वेव था, एक स्ट्रिंग में आपने वेव जनरेट कर दिया, इधर से जनरेट कर दिया, ठीक है, जो वेव क्या कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और साथ साथ क्या किया, तो आपने एक और वेव ट्रेवल कर दिया जो कि इधर से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मान लो कि कोई वेव आपने जनरेट कर दिया जो कि सेम स्ट्रिंग में, जो कि मान लो कि इधर डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहा हो, इस डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, ये मान लो कि बाय वन वेव है, ये मान लो कि बाय टू वेव है, सेम स्ट्रिंग में अगर दो अपोजिट साइड से दो वेव आपने जनरेट कर दिया है, एक प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस दोनों को जो रिजल्टेंट वेव होगा, इस दोनों को जो रिजल्टेंट वेव होगा, अगर ये दोनों सुपर इम्पोज होगा वेव, ठीक है, ऐड करोगे दोनों वेव का, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा एक स्टेशनरी वेव की तरह बनेगा, ठीक है, एक स्टेशनरी वेव की तरह बनेगा, देखेंगे किस तरह से बनता है। सबसे पहले क्या कहता है, इसका मतलब समझो, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला बात तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों वेव क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना होना चाहिए, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी को तो रहेगा ही, ठीक है, तो दो ऐसे वेव जो कि सेम एम्पलीट्यूड के हो और ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो, तो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो जैसा वेव मिलता है वो क्या होता है, एक स्टैंडिंग वेव मिलता है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव मिलेगा, स्टैंडिंग वेव क्या होगा, तो जैसे कि ये वेव तो क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग वेव है ना, ये दोनों वेव क्या है, ट्रैवलिंग वेव है, दोनों वेव क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जबकि स्टैंडिंग वेव क्या होगा, तो स्टैंडिंग वेव इस तरह से होगा कुछ, ठीक है, ये क्या होगा हमारा स्टैंडिंग वेव होगा, ठीक है, यानी देखोगे तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, ये भी ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा, ये भी ऊपर नीचे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, इसमें कोई वेव इधर की ओर ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है,
ईवीएफ का करेगा ट्रेवल, नहीं करेगा, क्योंकि जब इम्पोज करोगे तो एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में प्लस है, दूसरा पार्टिकल जो आएगा इम्पोज होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो वेलोसिटी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो इनर्जी होगा, ठीक है, ये इनर्जी ट्रैवल नहीं कर रहा होगा, ये वेव बस आपको ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो स्टैंडिंग वेव का किस तरह से मोशन करता है स्टैंडिंग वेव, तो मैं दिखा सकता हूं। को है क्या प्ले होगा, कैसे चलता है जी, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो ट्रैवलिंग वेव देखोगे तो आप ध्यान से इसका कैस ट्रैवलिंग में देखोगे तो क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग में इधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव क्या कर रहा है, या तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, फिर इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। लेकिन स्टैंडिंग वेव देखो कैसा है, अपने पोजिशन पे बस ऊपर नीचे हो रहा है, अपने पोजिशन क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, क्योंकि ये ना इधर ट्रैवल कर रहा है, इधर ट्रैवल कर रहा है, बस यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। एक वेव ऐसे जो खड़ा होकर बस ऊपर नीचे, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, अपने मेन पोजिशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये कहीं ट्रैवल ओवर नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये वेव कैसे मिलता है, तो जब ये वेव स्टैंडिंग वेव किस तरह से मिलेगा, कैसे बनेगा स्टैंडिंग वेव, तो स्टैंडिंग वेव बनेगा तब जब दो वेव, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड का, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल करोगे, तो उसके सुपर इम्पोजिशन से क्या मिलता है हम लोग को, ट्रैवलिंग सॉरी स्टैंडिंग वेव मिलता है, ठीक है। यानी अगर मान लो कि बाय वन और बाय टू को हम सुपर इम्पोज करें, ठीक है, बाय वन और बाय टू को हम लोग सुपर इम्पोज करें, तो हमको क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो क्या मिलेगा हम लोग को, स्टैंडिंग वेव मिलेगा, ठीक है। तो अगर सुपर इम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, सुपर पोजिशन करते हैं दो वेव का, सुपर पोजिशन मतलब ऐड करना, सिंपल सुपर पोजिशन ऑफ बाय वन एंड बाय टू, तो जो रिजल्टेंट वेव होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो वेव होगा वो क्या होगा, तो जाएगा बाय वन प्लस बाय टू, सिंपल सा, किसी भी दो वेव को ऐड करना हो तो किसी तरह से इस तरह से ऐड करते हैं हम लोग, बाय वन प्लस बाय टू। तो बाय वन क्या है, तो बाय वन है फर्स्ट वेव जो कि क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम लोग कि जो स्टैंडिंग वेव होगा उसका इक्वेशन कैसा होगा, तो फर्स्ट वेव कौन सा है, तो ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, पहला वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा क्या है, तो सेम एम्पलीट्यूड का वेव है, लेकिन बस ट्रेवल किधर कर रहा है आपको, तो ट्रेवल कर रहा है आपको निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे इसको, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इस दोनों वेव को क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन निकाल दो, तो ए मान लो कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, इसको ब्रेक कर दो, इसको बस सिंपली ब्रेक कर दो, तो क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन ए इंटू मिली आदित्य, हे भगवान, कॉस ए इंटू साइन साइन ए साइन कॉस बी बी, माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे था वेरी कुछ। गुड, ऐसे ही कुछ था, चलो कुछ तो याद है। अरे यहाँ पे प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसको ब्रेक करो जरा साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ के एक्स, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, इसको ए की तरह ट्रीट करेंगे, इसको बी की तरह ट्रीट करेंगे, ए एम्पलीट्यूड में समझ जाना ये, ठीक है, यहाँ वाला एंगल है बस ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ, ठीक है, कॉस ए मतलब ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी, ठीक है, पहला वाला को ब्रेक कर लिया, दूसरा वाला को ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, साइन ए सॉरी प्लस ना होगा, किसी ने बताया भी नहीं, यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू
कॉस ऑफ के एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ के एक्स, और साथ साथ क्या हो जाएगा बताओ, साथ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ, ले थोड़ा सा कह सकते हो साइन ऑफ के एक्स। ये बात समझ में आ रहा है, कुछ किए नहीं है हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद ही हो रहा है, ठीक है। हम तो बड़ा सिंपल सा क्या किए हैं, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस एक्स कॉस के एक्स प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम चीज़ है ना, एक माइनस साइन के साथ है, एक प्लस साइन के साथ है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बचेगा सिंपल, ठीक है, ए इंटू, ठीक है, टू इंटू साइन ऑफ, ठीक है, सर, कुछ गलत किए क्या, सर साइन ए प्लस बी में लास्ट में साइन इंटू ए माइनस बी भी होता था ना, नहीं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला गलत है शायद। क्या, क्या साइन ए गलत साइन है, ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसके बाद साइन या फिर कॉस इंटू ए माइनस बी होता था कुछ। अरे नहीं सही है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और प्लस रहेगा तो बस प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो बस माइनस लिख देंगे, प्लस क्या रहेगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, टू इंटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ के एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो आएगा ये क्या आ जाएगा, टू इंटू ए इंटू, ठीक है, टू इंटू ए इंटू कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ये जो हमारा आएगा इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, स्टैंडिंग वेव आएगा। यहाँ पे देखोगे तो जो एम्पलीट्यूड है ये हमारा क्या होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल देखोगे तो क्या कर रहा होगा, सिंपल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, अपनी मीन पोजिशन के अबाउट क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो आना भी चाहिए था उस तरह का इक्वेशन, ठीक है, जहाँ पे देखोगे तो बाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी किसी फॉर्म में रहे। ये क्वेश्चन किसका आता था, कोई पार्टिकल अगर एसटीएम कर रहा होता है, पार्टिकल अगर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अगर एसटीएम कर रहा होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शन में, तो इसका जो इक्वेशन लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, तो बाई इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिखते हैं ना, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। यहाँ पे देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। वहां पे देखोगे भी तो स्टैंडिंग वेव में, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्टैंडिंग वेव कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, अगर डायग्राम याद हो तो स्टैंडिंग वेव क्या होगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, डॉट डॉट लाइन है, ये बात समझ में आ रहा है, अभी डायग्राम दिखाया था किस तरह से ट्रेवल कर रहा होगा स्टैंडिंग वेव, तो ऊपर नीचे हो रहा होगा ये, ठीक है। तो अगर देखोगे तो एक्स चेंज करोगे, अगर ए एक्स देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए वाला होगा, अगर एक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए वाला होगा, और एक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए देखोगे तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पुट करो एक्स इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, ए कैसा होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए था। तो बेसिकली अगर इसको आप इस तरह से भी लिखोगे तो इस तरह का भी वेव का जो इक्वेशन बनेगा वो स्टैंडिंग वेव ही बनेगा, ठीक है, सब सेम ही होता है, टू ए इंटू साइन ऑफ के एक्स, टू ए इंटू साइन ऑफ के एक्स इंटू
कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा, ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा। ये वाला इक्वेशन कैसे आएगा, तो कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, इसमें से बाई वन लिखे ना, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे हैं, आप बस क्या कर देना, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख देना, ठीक है। अगर आप मान लो कि वेव इक्वेशन इस तरह से मानते हो, ए इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी तो इक्वेशन ऑफ वेव होगा ना, जो कि क्या ट्रेवल कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। दूसरा अगर वेव मानोगे ए टू इक्वल टू ए ऑफ साइन ऑफ, ठीक है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये भी क्या होगा, एक वेव इक्वेशन होगा जो कि क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। इस दोनों को अगर ऐड करोगे, इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको इस तरह का वेव इक्वेशन मिल जाएगा, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया है इसमें देखोगे तो इसका ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव बस ऐसा बनेगा, जहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ही एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो कि एक्स अगर चेंज करते जा रहे हैं, एक्स अगर चेंज करते जा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हर पार्टिकल का जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो चेंज करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, यस अरे ठीक है। इसका अगर देखोगे तो इसका इक्वेशन जो बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा स्टैंडिंग वेव का, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये स्टैंडिंग वेव है, ये कोई ट्रेवलिंग वेव नहीं है, पहला बात तो ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ये क्या बना, स्टैंडिंग वेव बना, ठीक है। स्टैंडिंग वेव अपने ही मीन पोजिशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करते रहेगा, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशन होगा, वो क्या करेगा, एक्स के साथ डिपेंडेंट होगा। एक्स अगर चेंज करोगे, एक्स अगर चेंज करोगे, जैसे कि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर जो एम्पलीट्यूड होगा कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 2a के बराबर। x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो cos जीरो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, इसका एम्पलीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। एम्पलीट्यूड क्या करेगा, क्योंकि ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ये पार्टिकल इसके अलॉन्ग क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। ये पार्टिकल इसके अबाउट क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशन है, अलग अलग पार्टिकल का क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे जैसे एक्स आप चेंज करते जाओगे, उस तरह से एक क्या करेगा, चेंज होते जाएगा। अगर के एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर दो, के एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पुट कर दो, वहां पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी जीरो से लेके टू ए एम्पलीट्यूड तक, ठीक है, टू ए एम्पलीट्यूड तक स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है क्या करेगा, वेरी करते चलेगा। और ये क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों क्या है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, पहला बात तो अब कोई इसको बोले तो ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये क्या है, तो इक्वेशन ऑफ, ये है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ठीक है। जहां पे जो एम्पलीट्यूड है इसका, एम्पलीट्यूड ऑफ जो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, कई बार इक्वेशन देख के आपको पहचानना होगा कि कैसा इक्वेशन है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा, जहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, तो होगा 2a इंटू साइन ऑफ केस लिख लो या फिर कॉस ऑफ केस लिख लो, दोनों बात क्या है, सेम ही है, ठीक है। साइन ऑफ केस बस डिपेंड करेगा, अगर कॉस वाला होगा तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव बनेगा, अगर साइन वाला होगा तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव बनेगा। इसको नोड और एंटी नोड बोलते हैं, ये सब आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड होगा, तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा स्टैंडिंग वेव का कितना होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा आपका 2a के बराबर, ठीक है। कॉस वाला भी लेंगे तब भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2a होगा, ठीक है, और साइन वाला भी लेंगे तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, 2a होगा। जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जहां भी स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। जैसे यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया एंटी नोड, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, एंटी नोड, एंटी नोड। जहां पे भी एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
एंटी नोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये सब क्या है, एंटी नोड्स है, ये सब क्या है, एंटी नोड्स है। एंटी नोड ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि साइन वाला फंक्शन है, अगर मान लो कि साइन वाला फंक्शन है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ के एक्स वैल्यू कितना हो जाए, साइन ऑफ के एक्स वैल्यू कितना हो जाए, प्लस वन हो जाए, प्लस वन या माइनस वन, तभी एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर केस की बात करो तो केस इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन मैक्सिमम कब होता है, जीरो पे ना, साइन मैक्सिमम कब होता है, जीरो पे। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। 90 पे ना, हाँ तो कुछ जीरो बोलोगे नहीं तो क्या करेंगे हम। साइन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पाई बाई टू पे होगा, या फिर कितना पे होगा, 3π/2 पे होगा, या फिर 5π/2 पे होगा, ठीक है। अब इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, के एक्स इक्वल टू प्लस वन कहाँ पे होगा, पाई बाई टू पे होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है 2π/λ, 2π/λ इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। क्यों, क्योंकि पता है के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ। फर्स्ट से सेकेंड क्लास याद करो, के इक्वल टू 2π/λ, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के की वैल्यू तो ही होगा ना, सेम ही वेव है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या जाओगा, अगर यहाँ से एक्स इक्वल टू देखोगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा λ/4, λ/4। सर हमको लग रहा है 26 में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेटर के और जी ही होता है। हर ले ये सोच रही जगह है के इतना के हो गया, एक मिक्सचर हो गया सारा के का, क्या, के मिक्सर हो गया हर हर जगह जगह पे, के का वैल्यू अलग है। कांस्टेंट मतलब के मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, अलग अलग जगह पे अलग अलग के है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी के मानेंगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी के मानेंगे, ठीक है, वेव में भी के मानते हैं, एसएचएम में भी के मानते हैं, ठीक है, स्प्रिंग में भी के मानते हैं। तो हर जगह पर अलग अलग मतलब है, पढ़ने का तो सर समझ। एक करके दूसरे में पुट कर दे रहे हैं ना, तुम याद ही नहीं रह रहा है। सर अरे वाह, कैसे याद नहीं रहेगा, जब बेब पढ़ो तो बेब वाला के नहीं यूज करोगे, है? हर जगह पर मतलब अलग अलग है, कहीं पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कहीं प्रोपगेशन कांस्टेंट है, कहीं पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो हर जगह पर अलग अलग है, तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड देखोगे तो मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स इक्वल टू λ/4 है, ठीक है। और वैल्यू पुट करोगे यहाँ से, 3π/2 पुट करोगे, तो यहाँ से अलग अलग लेमडा के वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देखना, क्योंकि के एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पुट करेंगे तब भी वन आएगा, ठीक है। 3π/2 पुट करेंगे तब भी वन आएगा, सॉरी माइनस वन आएगा, 5π/2 एड करोगे तब भी वन आएगा। तो वहां से सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू आपको λ/4, या फिर नेक्स्ट देखोगे तो 3λ/4, या फिर देखोगे तो नेक्स्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5λ/4, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कि एक एंटी नोड्स, ठीक है, एक एंटी नोड अगर यहाँ पे बना है, एक एंटी नोड अगर यहाँ पे बना है, ठीक है, λ/4 डिस्टेंस पे, अगर मान लो कि पहला एंटी नोड क्या बना है, λ/4 डिस्टेंस पे, अगर किसका लिए है, ये साइनसोइडल वाला लिए है, क्या लिए हम लोग, साइनसोइडल मतलब ऐसा वाला फंक्शन। तो इसमें जो पहला एंटी नोड होगा, पहला जो एंटी नोड होगा कितना डिस्टेंस पे बनेगा, तो आप देखोगे तो यहाँ से λ/4 डिस्टेंस पे बनेगा, λ/4 डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। डायग्राम वापस बना लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, समझो इसका मतलब क्या हुआ। साइन वाला लेंगे तो कैसा बनेगा, इक्वेशन बनेगा जो इस तरह का वेव बनेगा, स्टैंडिंग वेव जो बनेगा, दोनों बताए हैं, कॉस वाला उस तरह से बनेगा, साइन वाला इस तरह से बनेगा, सिमेट्रिकल ग्राफ है, एम्पलीट्यूड दोनों जगह पे सेम है, कोई बड़ा लग रहा है कोई छोटा लग रहा है, मान के चलोगे, मन की आंखों से देखोगे तो सब क्या दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ जो, अब बताओ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ होता है, यहां
या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ होता है जी बताओ? दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? लेमडा होता है, लैम्डा ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की बात करेंगे कितना हो जाएगा? लेमडा बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो पहला एंटी नोड्स देखो, पहला एंटी नोड कितना मिला है? तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक्स इक्वल टू जीरो है, तो 0,0 से पहला जो एंटी नोड से कहाँ पे मिला है? तो लेमडा बाई फोर पे मिला है, फ्राइडे लेमडा नोट बाई मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। अभी तो बता रहे हैं एंटी नोड, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी नोड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड्स बोलते हैं। किसी और को डाउट हो जाए ऐसा वाला, ठीक है। सुने नहीं वाह, तो पहला जो एंटी नोड से कहाँ पे मिल रहा है? तो पहला एंटी नोड देखोगे तो क्या मिलेगा? लेमडा बाई फोर पे मिलेगा। दूसरा एंटी नोड कहाँ मिलेगा? दूसरा एंटी नोड मिलेगा यहाँ पे। एंटी नोड मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, मैक्सिमम क्या होगा? यहीं पे होगा ना। तो नेक्स्ट देखोगे तो क्या आएगा? तो लेमडा बाई फोर प्लस कितना हो जाएगा? ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए डिस्टेंस लेमडा बाई टू होगा ना, यस सर या फिर टू लेमडा बाई फोर लिख दे, घबरा मत जाना। लेमडा बाई क्या होगा? टू होगा। तो नेक्स्ट एंटी नोड्स देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको? तो थ्री लेमडा बाय बाई टू फोर मैम प्लस टू लेमडा बाई फोर कितना हो जाएगा? थ्री लेमडा थ्री बाई लैम्डा बाय टू फोर, ठीक है। नेक्स्ट एंटी नोड देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा। अगेन क्या होगा आपको? अगेन ये डिस्टेंस कितना है? अगेन ये टू डिस्टेंस है लैम्डा लेमडा बाय बाई टू टू, ठीक है, या फिर टू लेमडा बाई फोर ले देते हैं, ऐड करने में आसान होगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो जाना जी, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे? अगेन क्या करोगे आप? टू लेमडा बाई फोर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये? या जगह फाइव लेमडा लैम्डा बाई फोर, ठीक है। तो फर्स्ट एंटी नोड्स अगर लेमडा बाई फोर पे मिलता है, एक कब मिलता है? जब इक्वेशन क्या हो, इस तरह का हो, ये वाला इक्वेशन हो। अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट एंटी नोड्स कहाँ मिलेगा? तो देखना कि फर्स्ट एंटी नोड मिलेगा एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। फर्स्ट एंटी नोड्स कहाँ मिलेगा? एक्स इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट एंटी नोड कहाँ मिलेगा? तो लेमडा बाई टू पे, कहाँ मिलेगा? लेमडा बाई टू पे। इसमें पुट करना ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस ऑफ के एक्स कितना होना चाहिए? के एक्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कॉस के एक्स कहना चाहिए जीरो होना चाहिए, या फिर ये बात समझ में नहीं आ रहा, बोलो। आ रहे एक, सर हाँ ठीक है। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगा? जीरो पे होगा। फिर कितना पे होगा? तो पाई पे होगा। फिर क्या होगा? पाई पे होगा। तो अब जीरो पाई, ठीक है, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, सिक्स पाई पुट करते जाना। वहां से आपको के इज इक्वल टू पाई बाई लेमडा पुट करोगे तो वहां से आपको एक्स इक्वल टू आते जाएगा लेमडा के टर्म्स में, ठीक है। तो दो नोड्स या फिर एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अभी तो एंटी नोड्स पढ़ रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स के जो बीच में डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा आपको? तो लेमडा बाई टू आएगा। चाहे यहाँ ले लो, इस वाला फंक्शन ले लो, चाहे ये वाला फंक्शन ले लो, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये एंटी नोड से, ये भी क्या है? एंटी नोड से, ये भी क्या है? एंटी नोड से। तो दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपको? तो दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो लेमडा बाई टू के बराबर होगा। क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? लेमडा बाई टू। ये बात समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट बोलो, यस सर ठीक है। तो ये जहां पे भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको बोलेंगे हम लोग 10 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है। 5-10 से स्टार्ट होता है ना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हो गया, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंटी नोड्स, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मिनिमम एम्पलीट्यूड देखोगे तो कौन कौन सा पॉइंट होगा? ए पॉइंट्स क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ए पॉइंट्स क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड है। ए पॉइंट्स क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ए पॉइंट्स देखोगे, चाहे ए पॉइंट्स देखोगे, यहाँ पे पार्टिकल बेसिकली वाइब्रेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है? जीरो है, ठीक है। तो अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब साइन ऑफ, साइन वाला फंक्शन लेते हैं, साइन ऑफ, ज़्यादातर साइन वाला लेते हैं इसलिए साइन वाला ले रहा हूँ, आप कॉस वाला भी ले सकते हो। तो साइन ऑफ केस इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा पॉइंट बोलते हैं? तो नोड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? नोड बोलते हैं। एंटी नोड्स, नोड याद रखोगे, एंटी नोड्स, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नोड्स क्या होगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड या फिर जीरो बोल सकते हैं। तो केस इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा? जब केस की वैल्यू कितना हो जाए, कितना हो जाए बताओ? या तो जीरो हो जाए या फिर कितना हो जाए? पाई हो जाए।
अरे बोलो कुछ, सॉरी हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, क्या हो जाए? 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, और 2 पाई कौन बोलेगा? ठीक है, ये सब चीज क्या है, या तो ठीक 2 पाई हो जाए, ठीक है, या फिर 3 पाई हो जाए, डॉट डॉट जितना भी करते जाओगे हर जगह पे क्या होगा, इस तरह से आएगा। तो केस इक्वल टू पुट करो 2 पाई बाई लेमडा, केस इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 कॉमा पाई कॉमा 2 पाई कॉमा 3 पाई, जो भी पुट करना है पुट करो, वहां ऊपर भी कर सकते थे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू देखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई पुट करोगे तो लेमडा बाई 2, ठीक है। अगर 2 पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। आगे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 लेमडा बाई 2, ठीक है। अगर एक पता चल गया तो बाकी भी आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, तो सिंपल लेमडा बाई 2 क्या करना है आपको, ऐड करते चलना है, ठीक है। जैसे कि पहला एंटी नोड्स पता चल गया, पहला अगर एंटी नोड्स पता चल गया तो नेक्स्ट एंटी नोड क्या होगा, तो लेमडा बाई 2 डिस्टेंस के बाद होगा, ठीक है। उसके बाद कब होगा, अगेन लेमडा बाई 2 क्या करोगे, ऐड कर दोगे, अगेन लेमडा बाई 2 क्या करोगे, ऐड करते जाओगे, तो नेक्स्ट एंटी नोड्स आपको मिलते जाएगा, क्योंकि दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, लेमडा बाई 2। सेम उस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा नोड्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नोड्स देखोगे तो क्या आएगा, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 2 लेमडा बाई 4, ये भी हो जाएगा 2 लेमडा बाई 4, ठीक है। नहीं, इसको हटा देते हैं। तो जो पहला एंटी नोड्स मिलेगा, ठीक है, पहला एंटी नोड्स कहाँ मिलेगा, अब ये जो पॉइंट्स होंगे ये सारे क्या होंगे, एंटी नोड्स हो गए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके एंटी नोड्स हो गए। ये पॉइंट्स ले लो, ये पॉइंट्स ले लो, ये पॉइंट्स ले लो, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके, ये सारे पॉइंट्स आपके सॉरी नोड्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं आपके नोड्स हैं, ठीक है। तो पहला नोट्स कहाँ मिला, तो पहला नोट्स मिला एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पहला नोट्स मिला एक्स इक्वल टू 0 पे। दूसरा लेमडा कहाँ मिला, तो लेमडा बाई 2 पे, दूसरा लेमडा यहाँ पे मिला। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा, ठीक है। तो दो कंजुगेटिव नोट्स के बीच में, दो कंजुगेटिव नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, लेमडा बाई 2 होगा, या फिर दो कंजुगेटिव एंटी नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एंटी नोट्स है, ये हमारा क्या है, एंटी नोड्स है, और ये हमारा क्या है, नोड्स है। आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, ये हमारा एंटी नोड्स है, ये भी हमारा क्या है, एंटी नोड्स है, ये भी क्या है हमारा, एंटी नोड्स है, और ये वाले पॉइंट्स क्या है हमारे, ये वाला पॉइंट्स हमारे नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ये भी क्या है, नोड है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर पहला आया है नोड, सपोज दैट कि पहला आया है नोड, ठीक है, डिपेंड करेगा किस तरह का है, साइन वाला है तो पहला नोड आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपको एंटी नोड्स, ठीक है, फिर आएगा आपको नोड्स, फिर आपको आएगा एंटी नोड्स, ठीक है, फिर आएगा आपको नोड्स, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2, या फिर दो एंटी नोड्स के बीच में, दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा आपको, तो लेमडा बाई 2 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कंजुगेटिव नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंजुगेटिव एंटी नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर नोड्स और एंटी नोड्स के बीच में बात करें, दो कंजुगेटिव नोड्स या फिर एंटी नोड्स के बीच में बात करें, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा लेमडा बाई 4, ठीक है। नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच में बात करें तो, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ठीक है। तो नोड्स क्या होता है, एंटी नोड्स क्या होता है, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना चीज आप एक बार पढ़ के आना ध्यान से, ठीक है। तो बस आपका एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, जो भी है थर्ड, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिर आपका स्ट्रिंग वेव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से साउंड वेव, ठीक है। बुकलेट में आप लोग को बोल रखे हैं कि एक बार थोड़ा खुद से मेहनत करो, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करो, उसमें से कौन कौन सा आपको पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रिंग वेव का क्वेश्चन है। और कोई मुझे क्वेश्चन नहीं भेजता है, ऐसे लगता है तुम लोग सब बना लिए हो। सब सर बन गया डाउट जी? बहुत सारा है, ऑफलाइन आएंगे ना तो SHM का भी और इसमें का भी पूछ लेंगे सारा। अच्छा, तुम ऑफलाइन आओगे तो पूछ लोगे, बाकी लोग क्वेश्चंस करो, नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है।
और अभी क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आसान है या डिफिकल्ट है।